अगला ऑप्शन जो हमारा, अब हमने यहां पे क्या किया, हमने प्रोटेक्शन कर लिया, हम यहां पे अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर लिए, मतलब कि इसमें किसी भी तरह की हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको कॉपी तो कर सकते हैं, और कॉपी करके हम उसको अगले किसी सीट पे ले जा सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और किसी भी सीट पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब यहां मेरा नया चैलेंज है कि मैं अपने डेटा को कॉपी से डिसेबल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरे डेटा को कॉपी ना कर सके। तो कैसे होगा? देखिए, एक्सेल में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि आप कॉपी को डिसेबल कर सके। कॉपी तो होगा ही होगा, बट कॉपी के अलावा मतलब कि क्या किया जा सकता है। तो कॉपी के लिए सबसे जरूरत पड़ती है सिलेक्शन। अगर हम सिलेक्शन को रिमूव कर दें तो कॉपी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम कंट्रोल सी, नॉर्मली कंट्रोल सी भी करेंगे फिर भी हमारा कॉपी नहीं होगा। कैसे करें? जब भी हम यहां एक बार मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूं पासवर्ड के साथ, जब भी हम पासवर्ड डालते हैं तो यहां बहुत सारे चेक बॉक्स होते हैं। ये बहुत सारे चेक बॉक्स क्या है? आफ्टर द प्रोटेक्शन आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेट सेल। हमने फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके जैसे ओके किया, तो अब पासवर्ड डालने के बाद भी मैं डेटा तो चेंज नहीं कर सकता हूं, बट डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग कलर वगैरह जो होते हैं वो फॉर्मेटिंग कर सकता हूं। अब मैं सॉर्टिंग कर दिया तो सॉर्टिंग कर सकता हूं, पिवट कर दिया तो पिवट कर सकता हूं। पता है कि चेक बॉक्स में जो भी चीजें क्लिक होगी वो आपका पासवर्ड डालने के बाद भी अप्लाई होगा। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट यहां पे आप देख रहे हैं कि सिलेक्ट अनलॉक, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। तो लॉक्ड अनलॉक क्या होता है इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इतना पता है कि सिलेक्शन, सिलेक्शन करने की परमिशन है कि आप एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस सिलेक्शन को हटा देता हूं। अब मैंने यहां पे पासवर्ड डाला है, पासवर्ड डालने से पहले मैं एक अलग एरिया पे कर्सर रख देता हूं। अब मैं यहां पे प्रोटेक्ट शीट और सिलेक्ट अनलॉक अनलॉक हटा देता हूं सारे चेकबॉक्स को, एंड पासवर्ड डाल के जैसे ओके करता हूं, पासवर्ड को कंफर्म करूंगा। फिलहाल मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूं, बट आप लोग पासवर्ड डालिए। अब देखिए मैं कहीं पे क्लिक ही नहीं कर पा रहा। तो अगर क्लिक किए बगैर कॉपी करेंगे तो सिंगल सेल सिलेक्ट होगा जो कि ब्लैंक एरिया में सिलेक्टेड था, मतलब मेरा डेटा अब कॉपी से बाहर हो गया। अब इसको मैं कॉपी नहीं कर सकता।